उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का दरकुलवा बाजार, जहां आज बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर घनश्याम खरवार ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान 338 पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र से नीरज कुमार वर्मा को 2017 विधानसभा चुनाव का प्रभारी और प्रत्याशी की घोषणा मंच के माध्यम से की। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में बसपा के कार्यकर्ता और सातों विधानसभा के प्रत्याशी देवरिया सदर से अभय मणि त्रिपाठी, रामपुर कारखाना से कमलेश यादव, रुद्रपुर से चंद्रिका निषाद मौजूद थे। इस बाबत जोनल कोऑर्डिनेटर का कहना था कि बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करने और पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के निर्देशों पर विधानसभा पथरदेवा से नीरज कुमार वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं बसपा प्रत्याशी नीरज वर्मा का कहना था कि पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र को विकास की गति दी जाएगी, जबकि बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर घनश्याम खरवार ने नीरज वर्मा की प्रत्याशिता को स्वीकार करते हुए एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि देश में हर आदमी स्वतंत्र है, जो जहां से चाहे चुनाव लड़कर अपना भाग्य आजमा सकता है। नीरज वर्मा भारी मतों से जीत करके विधानसभा में जाएंगे, आज साफ साफ दिखाई दे रहा। बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करने का और पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशों के पालन में पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी की घोषणा का मकसद था। बहन जी का आशीर्वाद माननीय श्री नीरज कुमार वर्मा को मिला हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के पथरदेवा विधानसभा से श्री नीरज कुमार वर्मा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे।